सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल में भी अपराधियों पर नकेल कसने का सिलसिला जारी है। यूपी पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से ये साफ है कि योगी सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। इस दौरान यूपी पुलिस ने कई जिलों में अपराधियों की गिरफ्तारी की। चलिए आपको दिखाते हैं योगी सरकार में पुलिस का एक्शन। अपराधियों पर नकेल एक्शन में यूपी पुलिस। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर यूपी में योगी सरकार के आते ही कहीं बुलडोजर चल रहे हैं तो कहीं अपराधियों की धरपकड़ तेजी से की जा रही है। अपराधियों द्वारा कब्जाई गई जमीन को मुक्त कराया जा रहा है। कई लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए जा रहे हैं। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुनादी कर दी है, जिसके बाद अब वो या तो खुद सरेंडर करने लगे हैं या फिर पुलिस अपने ढंग से उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं जिसमें पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया। औरैया और रायबरेली से चोर गैंग की गिरफ्तारी की गई, जबकि गाजियाबाद कन्नौज से भी चोरी के मामलों में वांछित चल रहे अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सीएम बनते ही कहा था कि यूपी में क्रिमिनल्स के लिए सिर्फ जेल होगा। यूपी की सत्ता संभालते ही पुलिस भी काफी सख्त दिखाई दी थी। पिछले कार्यकाल में खुद योगी आदित्यनाथ दावा करते रहे कि उनकी सरकार में अपराध पर लगाम लगी है और अपराधी राज्य छोड़कर भाग रहे हैं। 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गलिये में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी और फिर ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। खुद गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार में इसे मुद्दा बनाते हुए हर रैली में योगी सरकार में गुंडागर्दी के खत्म होने का दावा किया था। हालांकि पुलिस के रवैये को लेकर भी कई बार सरकार पर सवाल उठे। हाथरस और उन्नाव की घटना को लेकर विपक्ष ने भी योगी सरकार को कानून व्यवस्था के मामले में फेल बताया, लेकिन बीजेपी हमेशा यही दावा करती रही कि उनके कार्यकाल में यूपी में जुर्म कम हुआ है। चुनाव के नतीजों ने भी बीजेपी के इस दावे पर जीत का मोहर लगा दिया है। उत्तर प्रदेश को नंबर वन बनाने का संकल्प लेकर दोबारा सत्ता में आई योगी सरकार ने 100 दिनों के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है और योगी के इस मिशन में अधिकारियों की कार्रवाई से अब अपराधियों और वनचलों में भी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्राइम टीवी के लिए मुस्कान अजमानी की रिपोर्ट। तो दूसरी बार का कार्यकाल संभालते ही सीएम योगी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ उनका बुलडोजर चल रहा है तो वहीं अधिकारियों के तबादले भी हो रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।